विधान परिषद के लिए उपचुनाव चल रहा है, वोटिंग हो रही है, रागिनी सोनकर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, आपने वोट डाल दिया? जी जी डाल दिया। उम्मीद है कुछ आपके पार्टी के उम्मीदवारों के लिए, कुछ उम्मीद आप लोगों को है? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, तो नंबर नहीं है, लेकिन नंबर नहीं, आज नंबर नहीं है, पर इसका ये मतलब थोड़ी नहीं है कि आगे नहीं होंगे। डेफिनेटली आगे हमारे नंबर्स होंगे और इसी की लड़ाई चल रही है। बीजेपी कह रही कि बेकार में चुनाव कराया समाजवादी पार्टी ने, जो परंपरा थी उसको तोड़ा है। देखिए, जिस समय देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था उस समय भी ब्रिटिशर्स कहते थे कि आप बेफिजूल की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश कभी आज़ाद नहीं होने वाला है। लेकिन हमने लड़ाई को लड़ा, हर जाति, हर धर्म और हर वर्ग के लोग आए, सब जुड़ करके लड़े और उसका नतीजा है कि आज देश आज़ाद है। और आज भी एक लड़ाई है, मुझे लग रहा है, हर व्यक्ति को अपना सम्मान पाने की, चाहे वो किसी भी जात का हो, बिरादरी का हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म से हो, वो अपने सम्मान की लड़ाई को लड़ रहा है। और समाजवादी पार्टी जो आपका सबसे नीचे का व्यक्ति है उसको उसका सम्मान दिलाने की लड़ाई में। अंतरात्मा की आवाज़ पर आप लोगों ने वोट मांगा, कुछ वोट मिलेंगे अंतरात्मा की आवाज़ पर? देखिए, उम्मीद पूरी है कि वोट मिलेंगे। देखिए, बिल्कुल रागिनी सोनकर कह रहे हैं कि उम्मीद पूरी है कि कुछ वोट जरूर मिलेंगे अंतरात्मा की आवाज़ पर। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि नंबर नहीं है तो इसका मतलब कि चुनाव में खड़े नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक बात है, चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है, जिसके पास 10 प्रस्तावक हों, वो भी विधायक प्रस्तावक हों, वो चुनाव लड़ सकता है। और आप देखिए, अब समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो सारे लोग वोट डालकर आ रहे हैं, पल्लवी पटेल भी, उन्होंने भी अपना वोट डाला है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से अखिलेश यादव ने जो बातें कही हैं कि किस तरीके से इस पूरे चुनाव में उनकी पार्टी लड़ रही है, चुनाव मैदान में उतरी है, ये उपचुनाव में उतरी है, और उसी एक मैसेज देने की भी पॉलिटिक्स है। राजनीति में बहुत सारी बातें केवल संदेश देने के लिए भी होती हैं, और इसलिए भी इस पूरे चुनाव में आप देखिए तो एक संदेश देने की कोशिश समाजवादी पार्टी ने की है। कैमरा जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, भी गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।